hello viewers, welcome back to Litwits. we are back again with another poem of class 10th. that is dust of snow by robert frost. as you can see in the picture, dust of snow by robert frost a poem robert frost. i hope you all remember that was fire and ice. now today we are going to study dust of snow by robert frost. as usual, robert Frost roscu picture he is Robert Frost in 1941 ki picture. Hai. And uh, Robert Frost was born in 1874. He died in 1963. His full name was Robert Lee Frost, as you can see, Robert Lee Frost, and he was a poet and a playwright. Yes. Robert Frost was a poet and a playwright, as you can see. अब मैं एक इंट्रोडक्शन बताना चाहती हूँ आपको डस्ट ऑफ स्नो बहुत ही ब्रीफ पोएम है शॉर्ट पोएम है एंड दैट इज़ अ सिंगल लाइन सिर्फ एक लाइन की पोम है वो है ना आपको लग रहा होगा एट लाइन्स है बट इट इज़ जस्ट अ सिंगल लाइन यू कैन सी अ फुल स्टॉप हियर एंड द टाइटल इज डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट क्रॉस्ट डेट एंड बर्थ यहाँ लिखा हुआ है मैंने बता भी दिया आपको द पोम इज ऑफ जस्ट वन सेंटेंस बहुत ही प्यारा पोम है बहुत ही अच्छी मीनिंग है इसकी और बहुत ही सिंपल है वी शैल रीड इट हम इसे रीड करते हैं पोम को आप देखिए द वे अक्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड फुल स्टॉप दिस इज द इतनी सी पोएम है वन सेंटेंस है अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे बहुत ही ईजी है डस्ट ऑफ स्नो द पोम डस्ट ऑफ स्नो बाई रॉबर्ट क्रॉस्ट इज़ अ सिंपल एंड अ शॉर्ट पोम आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है शॉर्ट पोम है येट विद अ डीपर एंड अ लार्जर मीनिंग मीनिंग डीप मीनिंग है शॉर्ट पोम है, है फिर भी द पोएट एक्सप्लेस हाउ एंड एक्ट एज पेटी एज एक्सपीरियंसिंग स्नो ऑन वन बॉडी कैन ब्राइटन वन स् डे अप एक छोटी सी इंसिडेंट क्या हुआ था पोएट के ऊपर स्नो फ्लेक्स गिर गए थे एक, एक हेमलॉक ट्री पर कौए के बैठने से और इस छोटे से इंसिडेंट से पोए पोएट ने कंपोज किया और उससे पोइट का आ, दिन ब्राइटन हो जाता है उसका मूड अपलिफ्ट हो जाता है द मैसेज ऑफ द पोम ऑफ द मैसेज ऑफ द पोम इज़ पुट इन टू वर्ड्स बाई रॉबर्ट फ्रॉस और ये जो पोम है डस्ट ऑफ स्नो इसका जो मीनिंग है वो रॉबर्ट फ्रॉस ने अपने शब्दों में स्वयं लिखा है ऑलवेज ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस अ लिटिल थिंग टचेज अ लार्जर थिंग की छोटी सी चीज़ें कभी कभी छोटी छोटी बातों का हमारे लाइफ में बड़ा ही महत्व होता है यही इस पोम का सारांश है यही इस पोम का थीम है अब हम एक बार लाइन्स भी देख लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए ये आप देख रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो ये हेमलॉक ट्री है विंट्री डे विंट्री डे है क्योंकि आप अगर स्नो फ्लेक्स है तो ऑब्वियसली विंटर uh, uh, का टाइम होगा द वे अक्रो एक मिनट यस थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देती हूँ द वे अक्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री वर्ड मीनिंग्स देखेंगे शुक शेक मतलब कोई चीज़ हिलने से शेक करना मतलब उसे हिलाना हेमलॉक क्या होता है एक पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लार ऐसे इस ट्री को हम लोग हेमलॉक बोलते हैं एंड पोएम uh, की जो फर्स्ट uh, मतलब फर्स्ट uh, पार्ट है द पोम इज सेट इन अ सीन व पोइट इज़ इन अ बैड मूड ऐसा हमें प्रतीत होता है कि पोइट क्या है बैड मूड में है और ऐसे ही चलता जा रहा है और चलते चलते वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे आ जाता है हेमडॉक ट्री की प्रवृत्ति कैसी है वो एक पॉइजनस ट्री होती है एज ही पासिस बाय और मे बी ही स्टैंड्स फॉर अ मोमेंट अंडर द ट्री या फिर उस ट्री उस साइड uh, मूड में वो चल रहा होता है अक्रो हैपन्स टू थ्रो सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम थ्रो एज इन थ्रो क्रो उड़ता हुआ आता है और मे बी उस पेड़ पर पे बैठा एट दैट टाइम थोड़ा सा स्नो उसके शोल्डर पे हेड पे गिर जाता है वेदर इट फॉल्स ऑन इज हेड और शोल्डर इज अनोन एज दर इज नो स्पेसिफिक मैंशन इन द पोम जब क्रो उड़ के आता है इस हेमलॉक ट्री के डाल पर बैठता है तो स्नो गिर जाता है अब वो सिर पे भी गिर सकता है शोल्डर पे भी गिर सकता है कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है पोएम में हव उसके ऊपर स्नो गिर जाता है एंड ऑल दो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड स्पेसिफिक एंक्शन वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग शिवरिंग विद कोल्ड री एडजस्टिंग इट्स ऑन द ब्रांच स्पेसिफिकली वेंशन नहीं है कि पोइट क्रो uh, बैठा कि उड़ के आया कि कैसे गया मगर क्रो आता है पेड़ के ऊपर उड़ के मैं भी वो uh, दो सेकेंड के लिए या एक मिनट के लिए पेड़ पे बैठा होगा और उसके बैठने से स्नो uh, पेड़ की uh, जो ब्रांचेज होते मूव करते हैं और स्नो ऑथर के ऊपर शोल्डर पर या हेड पर गिरता है uh, और हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो आर द सिग्नीफायर्स ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम जस्ट लाइक पोइट्स मूड वॉज इन द ओपनिंग सीन और हम देखेंगे इस पोएम में जो एजेंट्स ऑफ नेचर बताया जा रहा है जो हेमलॉक ट्री है एंड क्रो है बहुत uh, क्या सिग्निफाई करते हैं सैडनेस को इल ओमन कोम हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है इसलिए हम उसको बहुत ही ज़्यादा पवित्र नहीं मानते बहुत शगुन या शुभ चीज़ नहीं मानते ऐसे ही क्रो क्रो को भी हम एक अच्छा शगुन नहीं मानते यानी कि दोनों चीज़ें नेगेटिविटी से रिलेटेड है जैसा कि ग्लूम से रिलेटेड है और वैसा ही ग्लूमी मूड था पोएट पोएम के बिगिनिंग में किसका पोएट का और दोनों चीज़ें उससे रिलीट करते डिलीट कर सेकेंड हाफ पोएम का देखेंगे हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रूड तो जब वो क्रो आता है और क्रो के उड़ के आने से पेड़ से थोड़ा सा स्नो पोइट के शोल्डर में या हेड में गिर जाता है तो उससे क्या होता है पोएट के हार्ट को अ चेंज ऑफ मूड देता है यानी कि वो आइस जो ठंडी ठंडी आइस उसके ऊपर गिरती है स्नो फ्लेक्स उससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है और जो उस जो वो दिन था जो वो सैड डे था उसका कुछ पार्ट बच जाता है क्या मतलब है इसका मींस अगर हम बैड मूड में है सपोज़ सपोज इमेजिन करिए आप सुबह से बैड मूड में हैं दोपहर तो में अगर ये एपिसोड होता है और फिर हमारा मूड अच्छा हो जाता है हम प्रसन्न हो जाते हैं खुश हो जाते हैं यानी कि दोपहर से लेकर रात तक का समय हम क्या करते हैं सेव कर लेते हैं दैट मीन्स बैड मूड हमारा दोपहर तक रहा लेकिन उसके बावजूद हमारा हाफ़ डे हाफ़ पार्ट ऑफ द डे यानी कि फ्रॉम द आफ्टरनून टू द इवनिंग सेव हो जाता है एंड देन वी आर इन हाई स्पिरिट्स और हमारे हमारा मूड अच्छा हो जाता है हमारी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है यानी कि सम पार्ट ऑफ द डे जो खराब जा सकता था उसे इस एपिसोड ने बचा लिया और मूड अच्छा हो गया पोएट का यही पोएट के कहने का तात्पर्य इस सेकेंड पार्ट ऑफ द पोम में एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूड हेल्ड इन रिग्रेट यानी कि वो बैड मूड से जो बुरा दिन था पोइट का या जो हार्ड टाइम था किसी भी वजह से लो स्पिरिट में पोएट था या आ, हो सकता है किसी वजह से गुस्से में हो या चिटड़ा हुआ हो बैड मूड में हो तो उसका ही उसको रिग्रेट था अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेशन भी देख लेंगे फॉर रीजन्स अन नोन अब यहाँ पर इस पोएम में ये स्पेसिफाइड नहीं है कि किस रीज़न से पोइट का बैड मूड था हवा जो भी अन नोन रीजन् फॉर रीजन्स अन द ऑथर वॉज हैविंग अ टेरिबल डे यानी कि ही वॉज इन अ बैड मूड बट द फॉलोइंग ऑफ द स्नो ऑन इज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली पर जैसे ही स्नो ठंडा स्नो उसके शोल्डर पर गिरता है पोइट का मूड एकदम से अच्छा हो जाता है ही एड ऑलरेडी स्पेंड हिज डे इन अ बैड मूड बट द रेस्ट ऑफ इट वॉज सेव बाय द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री यानी कि जब तक कि उसके शोल्डर पे स्नो नहीं गिरा था हेमलॉक ट्री के ऊपर से क्रो के आ जाने से क्रो के उस डाल पे बैठ जाने से या उस डाल को छूने से मूवमेंट से तब तक का उसका दिन बैड था ही वॉज़ इन अ बैड मूड बट आफ्टर दिस इंसिडेंट हिज मूड चेंजेज एंड ही बिकम्स हैप्पी जनरली अब हम मैंने पहले भी बताया हेमलॉक ट्री एंड क्रो आर यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस बट इस पोएम में पोएट ने उन्हें ब्यूटिफली पोट्रे किया है ये बताया है कि इनऑस्पिशियस थिंग जिन चीज़ों को हम अच्छा नहीं मानते हम नेगेटिविटी से जोड़ते हैं वो चीज़ भी वो चीज़ भी हमारे लिए खुशी और हैप्पीनेस ला सकती है जैसा कि इस पोएम में हम देख रहे हैं क्रो हेमलॉक ट्री एंड बैड मूड तीनों चीज़ें सैड पार्ट दिखा रही हैं नेगेटिव चीज़ें दिखा रही हैं बट देन हेमलॉक ट्री और क्रो जिन्हें हम अच्छा नहीं मानते हैं शगुन नहीं मानते उनकी वजह से पोएट का मूड अच्छा हो जाता है दैट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट इसलिए हमें कभी भी किसी भी चीज़ को फो ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कोई भी चीज़ को अपियरेंस से जज नहीं करना चाहिए क्रो के बारे में मान्यता है कि क्रो शुभ शगुन नहीं लाता पर इस इस समय पोएट के लिए तो वो अच्छी सौगात अच्छा सौगात लेकर गया उसे खुश कर गया उसका मूड अच्छा कर गया उसका दिन अच्छा कर गया दैट इज क्रो ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोएट दै वो पोएट ये बताते हैं कि समटाइम्स इन ऑस्पिशियस थिंग्स भी कैन ब्रिंग अस जॉय हैप्पीनेस वन शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट एवर वे द नेचर चूजेस टू ब्लेस और इस तरह से हमें नेचर के ब्लैस ब्लैसिंग्स को स्वीकार करना चाहिए वो क्रो के द्वारा हो हेमलॉक ट्री के द्वारा हो या जिस जिस भी तरह से नेचर हमें खुश करना चाहता हो या हमें ब्लेसिंग्स देना चाहता हो हमें ओपनली उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और पहले से हमें एजम्शन नहीं रखना चाहिए कि अगर ये नेगेटिविटी से अटैच या जुड़ा हुआ है तो वो नेगेटिव असर ही देगा हम हमने देखा पोएम में कि किस तरह से दो नेगेटिव चीज़ें मिलकर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पोएट के मूड के ऊपर लाती है एंड पोएट फील्स हैप्पी वंस अगेन अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस थोड़ा सा देखेंगे राइमिंग स्कीम पोम की है ए बी ए बी सी डी सी डी एलिट्रेशन मैंने कई बार बताया है द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोज कनेक्टेड वर्ड्स जब साथ साथ के वर्ड्स में कॉन्सनेंट साउंड का रेपिटेशन हो उसे हम एलिटरेशन कहते हैं ओके okay? उसके एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे लाइक like, जैसे यहाँ एलिट्रेशन है हैज गिवन माई हार्ट एच एच का रिपीटेशन है यहाँ पे सेव्ड सम में एस एस का रिपीटेशन है इस फिगर ऑफ़ स्पीच को हम क्या कहते हैं एलिट्रेशन कहते हैं उसके बाद इन्वर्जन है इन्वर्जन क्या होता है जब हम पोएम की स्ट्रक्चर को रीऑर्डर करते हैं यानी कि जो बाद में आ, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हम पहले बोलें और पहले वाले को बाद में बोलें उसे हम इन्वर्जन बोलते हैं फर्स्ट uh, एंसा में इन्वर्जन का पोम सेंटेंस इन्वर्जन का यूज़ हुआ है सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बोला सपोज़ आई सपोज़ इफ़ आई से आई एट फाइव बनाना अगर ये एक नेचुरल ऑर्डर में ये सेंटेंस है और इसे हम बोलेंगे फाइव बनानस आई एट देन दिस इज़ इन्वर्जन ये क्या है इन्वर्जन है तो इन्वर्जन का यूज़ फर्स्ट एंजा में हुआ है इसलिए हम ये देखेंगे फिगर ऑफ स्टीच इन्वर्जन भी इसमें यूज हुआ है देन uh, है एसोनेंस एसोनेंस क्या होता है बॉवल uh, साउंड का अगर रिपीटिशन हो तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं जैसे कि इन लाइन्स वन एंड टू लाइन्स या फर्स्ट पार्ट में जो है शुभ डाउन ऑन मी जो लिखा है तो यहाँ पर वॉबल ओ ओ का रेपिटेशन है ओ यहाँ पर भी है ओ साउंड प्रोमिनेंट है दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एसोनेंस इसे एसोनेंस कहते हैं एसनेंस यूज हुआ देन एंजाम्पमेंट एजाम्पमेंट क्या होता है जब एक सिंगल थाट जब एक सेम एक सेंटेंस में सिंगल थाट नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करता है वैन द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज़ ऑफ एनी पंक्चुएशन मार्क इट इज़ कॉल्ड एज एंजैमेंट एंड दिस एंजाममेंट इज इट हैज बीन यूज थ्रू आउट द बोम जैसे कि मैंने बताया पोम एक सिंगल सेंटेंस है जैसे आप यहाँ पे देखिए पोम एक सिंगल सेंटेंस है द वे क्रो शुक डाउन कंटिन्यू हो रहा है क्रो शुक डाउन ऑन मी द रस्ट ऑफ स्नो फ्राम लॉक ट्री एंड यहाँ पे हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव समे आईड यहाँ पर खत्म हो रहा है यहाँ फुल स्टॉप है वो कंटिन्यूटी में लाइन्स लिखे हुए हैं तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं एन्जैमेंट एजैमेंट कहते हैं और ये एंटायर पोअम में थ्रू आउट द पोम में एंजैमेंट का यूज़ हुआ है आई होप इट इज क्लियर टू यू अब मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे अब सेंट्रल uh, आइडिया थोड़ा सा देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम डस्ट एंड स्नो रिटर्न बाई कौन लिखा है रॉबर्ट क्रॉस ने लिखा है सेंट्रल आइडिया ये है कि कोई भी किसी भी आदमी का uh, डे अच्छा खराब हो सकता है उस वो बुरे वक्त से गुजर रहा होता है बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग पर एक छोटी सी कोई छोटा सा कोई एपिसोड या छोटा सा कोई एक्सपीरियंस वो बुरे दिन को या बुरे मूड को चेंज कर सकता है जैसा कि इस पोएम में हमने देखा द क्रो द हेमलॉक ट्री एंड डस्ट भी दे आर सम बैड साइंस नॉर्मली हम लोग क्या उसको नेगेटिविटी से एसोसिएट करते हैं जोड़ते हैं बट इस पोम में हमने क्या देखा थ्रू दिस पोम दट रॉबर्ट फ्रॉस इज़ ट्राइंग टू शैटर ऑल द बिलीव दैट ह्यूमन हैव अबाउट द थिंग्स डेट दे कंसिडर इन रॉबर्ट फ्रॉस ने इस हमारे इस बिलीव को चेंज किया है हम इसमें इसमें क्रो कोई आ, कोई आ, बुरा आ, बुरा संकेत लेके नहीं आ रहा यहाँ पे क्रो एक अच्छा 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 कंट्रीब्यूशन पोइट के लाइफ में दे रहा है तो रॉबर्ट फ्रॉस uh, क्या करते हैं वो uh, उस बिलीव को शैटर करते हैं उसको ब्रेक करते हैं एंड पोइट ये कहते हैं कि थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ क्रो दैट इज ड एज ए बैड ओमन एंड सिग्नीफायर ऑफ डार्कनेस एंड ग्लूमीनेस क्रो को हम नेगेटिविटी से एसोसिएट करते हैं अंधकार से एसोसिएट करते हैं सैडनेस से एसोसिएट करते हैं बट यहां पर क्रो के हेमलॉक्ट्री पे बैठने से उसके ब्रांच के हिलने से जो डस्ट पोएट के शोल्डर या हेड पे गिरता है डस्ट ऑफ़ स्नो सॉरी डस्ट ऑफ़ स्नो जो गिरता है उससे पोएट का मूड सडनली चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो हैप्पी फील होने लगता है करने लगता है पोएट और लाइवली फील करने लगता है उसके हार्ट में स्पिरिट्स हाई हो जाते हैं एनि कम यानी कम्स आउट ऑफ दिस बैड मूड पोएट का जो बैड मूड रहता है वो एकदम से गायब हो जाता है और उसका आधा दिन जो बचा हुआ था वो सेव हो जाता है दैट मीन्स द क्रो ब्रॉड हैप्पीनेस टू दोएट यू ऑल्सो ट्राइज टू पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट समटाइम्स इवन स्मॉल थिंग्स और इंसिडेंट्स इन लाइफ हैव बिग इम्पैक्टस इम्पैक्ट ऑनस और ये जो ये बहुत ही मामूली सी बात थी कि स्नो का झड़ना उसे कंधे पे लेकिन पोएट के लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर के आता है ये वर्ड उसके दिन को अच्छा बनाता है उसके मूड को अच्छा बनाता है उसे नेचर के ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना सिखाता है और प्राकृतिक सौंदर्य को वो बेटर तरीके से देख पाता है तो छोटी सी चीज़ थी बट उसके लिए एक बड़ा चेंज ले कर के आती है थीम भी वही है जो सेंट्रल आइडिया है एक बार मैं ऐसे भी रीड कर देती हूँ डस्ट ऑफ स्नो स्मॉल पोम है किसने लिखा है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम की सेटिंग क्या है विंट्री डे है फर्स्ट ऐजा में हमने देखा एक सिंपल सी नेचुरल हैपनिंग है स्नोफॉल हो रहा है सारे ट्रीज़ के ऊपर स्नो लदे हुए हैं एंड द स्नो फ्लेक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री क्योंकि विंट्री सीजन है स्नोफॉल uh, हो रहा है तो पेड़ के ऊपर स्नो जब गिरता है फ्लेक्स तो उस पर टिके होते हैं एंड द मूवमेंट एंड द अलाइटिंग ऑफ ए क्रो ऑन दैट ट्री मेक्स द डस्ट ऑफ ऑन द और कोई एक क्रो आता है उसके उड़ के आने से या ब्रांच में बैठ जाने से uh, ब्रांचेस होते हैं और उससे स्नोफॉल डस्ट ऑफ़ स्नो गिरता है किसके ऊपर पोइट के ऊपर और क्रो अगेन सिंबल किसका है ए का सिंबल है हेमलॉक ट्री भी नेगेटिविटी से एसोसिएटेड है uh, और ये सब क्या है ऑस्पिशियस थिंग्स हम नहीं मानते इन्हें हम अच्छा शगुन नहीं मानते फिर हम सेकेंड पार्ट ऑफ द पोम में क्या देखते हैं कि हाउ एवर इन द सेकेंड फॉलिंग ऑफ स्नो द फॉलिंग ऑफ स्नो

पॉजिटिव वे में होता है एंड उस दिन पोइट का डे कैसा था बहुत ग्लूमी था और वेस्ट था वो दिन उसके लिए बर्बाद गया था हार्ड डे था लेकिन ये बहुत ही ऑर्डनरी साधारण सा नेचुरल हैपनिंग जो होता है सडनली अचानक से ब्रिंग अ डिज़ायर्ड चेंज इन हिज मूड इट ग्लैडेंस हिज हार्ट वह उसके हार्ट को खुशी से भर देता है और पोइट्री रियलाइज करता है दैट द फॉलिंग ऑफ दॉलोइंग ऑफ स्नो ई फ्लेक्स ऑन ई है सेव्ड हिज डे पोइट को ये लगता है कि छोटा सा नेचुरल एपिसोड अनप्लान्ड हैपनिंग ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं यहाँ जाऊँगा खड़ा होऊँगा फिर कौवा आएगा फिर वो स्नो फ्लेक्स गया ऐसा कुछ भी नहीं था सडनली एक ऐसा एपिसोड हो जाता है नेचर हमें किस तरह से प्रसन्नता देती है आप ये भी देखिए ये छोटी सी पोइट ने बहुत ही ब्यूटिफुली इस बात को पोए में एक एक सेंटेंस के लाइ पोएम में दिखाया है कि सडनली अनप्लान्ड वे से नेचर हमें कैसे प्लीज कर पाता है कैसे हमारे मूड को चेंज कर, कर पाता है और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में कितनी ज़्यादा ब्यूटी है उसको हमें एडमायर करना चाहिए और इस तरह से ये पोइट कर डे को सेव कर लेता है नाउ ही हैज नो रिग्रेट एज द होल ऑफ़ द डे हैज़ नॉट गॉन वेस्ट अब पोएट को ये अफसोस नहीं होता कि मेरा पूरा दिन ही बर्बाद गया क्योंकि जब ये एपिसोड होता है उसके बाद से पोएट का जो बचा हुआ दिन था जो बचा हुआ समय था वो अच्छा हो जाता है एकदम से मूड खिल जाता है और बहुत ही अच्छे है। वो हैप्पी मूड में हो जाता है द मोमेंट ऑफ द स्नोफॉल एंड द इफेक्ट हैव सेव द डे दे हैव ब्रॉट अ चेंज इन हिज मूड एंड ग्लैडेंड एंड अपलिफ्टेड स्पिरिट और इस तरह से हम देखते हैं कि पोएट बहुत अच्छे मूड में हो जाता है पोइट को ऐसा फील होता है कि एक मामूली सी छोटी छोटी चीज चीज़ों से हमें किस तरह से प्रसन्नता मिल जाती है एक हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जिसको अच्छा नहीं समझते हैं उसके लिए हम मतलब बायस नहीं हो सकते हैं कि जो ऑस्पिशियस चीज़ें हैं जिन्हें हम शुभ शगुन मानते हैं वही हमें हैप्पीनेस दे ऐसा नहीं है हमारे बिलीव्स को भी पोइट चेंज करना चाहते हैं बिकॉज़ हमने यहाँ पर देखा जो नेगेटिव चीज़ें हैं हेम लॉकट्री एंड क्रो एंड बैड मूड ये सब किस तरह से इन सब के कंबाइंड इफेक्ट से पोएट के लिए जॉयस टाइम आता है हैप्पी टाइम आता है चेंज ऑफ मूड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस फ्रॉम ग्लूमीनेस टू हैप्पीनेस एंड ही फील्स लाइट एंड वेरी हैवी वेरी हैप्पी सॉरी एंड होप आपको बहुत अच्छे से पोएम समझ में आ गया होगा इसका जो मीनिंग है वो भी क्लियर हो गया होगा और आपको मेरे वीडियोज़ भी अच्छे लग रहे होंगे लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए सजेशंस दीजिए और कमेंट्स भी कीजिए ओके This is all for today. Thank you so much, and we'll see you again with another nice poem of any of uh, uh, class tenth also, or uh, maybe a tiger in the zoo. Thank you so much.